नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम करिकुलम के अगले पार्ट में आते हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम के निर्धारित नींव। किसी भी इमारत को बनाने के लिए पहले उसकी नींव को मजबूत होनी पड़ती है। जब उसकी नींव मजबूत होगी तब हम उस पर इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम को अगर विकसित करना है तो उनके जो निर्धारक तत्व होते हैं, जो उसकी नींव कहा जाता है जिन्हें, उनके विषय में हमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। तो उसकी नींव में एक नींव फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स है, जो दर्शन शास्त्रीय नींव के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाठ्यक्रम के निर्धारक या नींव, दर्शन शास्त्रीय नींव फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट। पहला है, ये लोगों के विचारों और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। लोग क्या विचार करते हैं, लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं पाठशाला से और पाठ्यक्रम से, ये जो है दर्शन शास्त्र हमें बताता है। दूसरा, ये जीवन के पूर्ण दर्शन के विकास में सहायता करता है। जो फिलोसॉफिकल बेस होता है, जो दर्शन जिसे हम कहते हैं, वो जो है जीवन के संपूर्ण विकास में सहायता करता है। तीसरा है, ये छात्रों को ऐच्छिक सांस्कृतिक मूल्यों, बौद्धिक गुणों, सामाजिक मानदंडों और नैतिक सिद्धांतों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी संस्कृति या सभ्यता का एक दर्शन अवश्य होता है, चाहे वो पौराणिक हो चाहे वो प्राचीन हो, लेकिन उसका एक दर्शन अवश्य होता है। चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, हर एक धर्म जाति संप्रदाय में एक दर्शन काम करता है। और ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी दर्शन काम करता है, उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो छात्रों के ऐच्छिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं और उनके बौद्धिक गुण हैं, सामाजिक मानदंड है और नैतिक सिद्धांतों को सीखने के लिए ये दर्शन शास्त्र प्रेरित करता है। चौथा है, दर्शन शास्त्र प्रमुख और गंभीर विषयों को शामिल करता है, वो साधारण विषयों पे बात नहीं करता है। मानव का क्या स्थान है, प्रकृति का क्या लक्ष्य है, समाज का क्या लक्ष्य है, ऐसे जो गूढ़ और जो सोचने पे विचार करने पे हमें मजबूर करें, ऐसे प्रश्नों को दर्शन उठाता है। अगला है, शिक्षक को छात्रों को पढ़ाते समय, जब शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, स्कूल के उद्देश्य, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण के प्रकारों में, प्रशिक्षण सामग्री टीचिंग एड में, प्रयोग की विधि प्रयोग कैसे करना है, और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को दर्शन से कनेक्ट करना चाहिए। अगला है, दर्शन शास्त्र प्रबंधकों, रचनाकारों, अध्यापकों को निर्णय लेने की समस्या का हल प्रदान करने में मदद करता है। कैसे हाजिर जवाबी के लिए वो जो है दर्शन शास्त्र उन्हें जो है मदद प्रदान करता है, किसे, शिक्षकों को। अगला है, एक व्यक्ति का दर्शन शास्त्र उसके जीवन अनुभव, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, सामान्य मत और शिक्षा को दर्शाता है। किसी भी प्रत्येक व्यक्ति अपने में यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग सोचने का तरीका है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना दर्शन शास्त्र के प्रति नज़रिया है। तो वही इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का जीवन अनुभव, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है उसकी, उस वो किस मत को मानता है और शिक्षा को इसमें वो दर्शाता है। ये सातवां पॉइंट हो गया। अगला है, दर्शन शास्त्रीय मुद्दों ने हमेशा से समाज और शिक्षण संस्थाओं को प्रभावित किया है। जो दर्शन शास्त्र के मुद्दे होते हैं, जो विचार होते हैं, जो संकल्पनाएं होती हैं, वो समाज और शिक्षण संस्थाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है।
यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास का उद्देश्य रखता है। व्यक्ति और समाज, और उसी से समाज विकसित होगा तो संपूर्ण राष्ट्र विकास के राह पर चलेगा। इस चीज़ को ये दर्शन शास्त्र इसके मुख्य उद्देश्य में आता है। अगला है, ये राष्ट्र के दर्शन पर आधारित है, सेम बात। अगला है, शिक्षण का दर्शन हमारे शैक्षणिक निर्णयों को प्रभावित करता है। शिक्षा का जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र तो एक अलग हो गया, लेकिन शिक्षा का भी एक अलग दर्शन शास्त्र है, जो शिक्षा का दर्शन हमारे शैक्षणिक निर्णयों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम के जो निर्धारक तत्व हैं, जो उसकी नींव है, उसमें जो आज हमने पहला निर्धारक तत्व दर्शन शास्त्रीय नींव के विषय में आज हमने पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में दोस्तों, मनोवैज्ञानिक है, फिर सामाजिक है, फिर राजनीतिक है, ऐसे एक एक लेक्चर में हम प्रत्येक लेक्चर में एक एक नींव के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में क्या उन्हें नोट्स चाहिए और क्या लेक्चर में सुधार चाहिए वो मुझे कमेंट द्वारा सूचित करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।